हेलो स्टूडेंट्स, भूपेन सिंह और आपको आज लेक्चर टू इनर फर्स्ट का आपका होगा। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल शैन कन्वेंशंस हैं वो क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और हम उनको यूज़ क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी उनकी। जैसे हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल सिंबल्स की क्या ज़रूरत है, अब देखना है इलेक्ट्रिकल शैन कन्वेंशन की क्या ज़रूरत है, क्या वाकई में की जरूरत है, या फिर हमने ऐसे ही इनको सिलेबस में ले लिया, या फिर ऐसे ही इनके लिए हम मतलब कि लाइफ में आगे कोई भी चीज़ें होता है ना कि किसी की जरूरत क्रिएट करती है, क्यों, तो हमारे सेल्स बढ़े, डिमांड बढ़े, डिमांड तो सेल्स बढ़े, सेल्स तो हमें प्रॉफिट होगा, नहीं है ना। तो अगर इनकी वास्तव में ज़रूरत है तो कहाँ कहाँ पे है और क्यों है, ठीक है, आज देखते हैं हम। तो सबसे पहले बताइए कि शैन कन्वेंशन क्या होते हैं। पढ़िए एक बार 20 सेकंड में। समझ में आया, नहीं आया तो एक जो अभी हमारा एक करंट में चल रहा है ना, कोरोना, COVID-19, इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं कि ये मतलब कोरोना से ग्रस्त है या नहीं है ना, पॉजिटिव और निगेटिव टेस्ट होते हैं ना, दो टेस्ट हो रहे हैं, कोविड एंटीजन एंड कोविड RT-PCR। अगर दोनों में पॉजिटिव आया तो ये जो भी पर्सन है ना वो COVID-19 पॉजिटिव माना जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव निगेटिव कुछ साइन कन्वेंशन ना, ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में है, तो वो हम देखेंगे क्या है। क्लियर, देखो साइन कन्वेंशन इज जनरलाइज्ड वे टू सॉल्व एंड एनालाइज द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, सॉल्व एंड एनालाइज, या हम कहीं पे एनालिसिस करते हैं, कहीं पे कोई चीज़ को सॉल्व करते हैं या फिर रिजॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम आती है, फॉल्ट आती है, उसको रिजॉल्व करते हैं, उसको दूर करते हैं, ठीक है ना। कोई चीज़ ब्रेक डाउन पर आती है, वैसे आती है, तो उनको क्या करते हैं, तो साइन कन्वेंशन से क्या है, एक जनरलाइज वे है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, एक सॉल्यूशन और एनालिसिस के लिए, किसके, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। क्लियर, इट डिफाइन द पॉजिटिव नेगेटिव साइन टू टेकन फॉर वेरियस इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स सच ए करंट, वोल्टेज, पावर एक्सेप्ट, एंड साइन कन्वेंशन ब्रिंग्स यूनिफॉर्मली, नॉट फॉर्मली, यूनिफॉर्मली इन द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर सो दैट एनीवन कैन अंडरस्टैंड द एनालिसिस ऑफ सर्किट। अगर किसी ने भी सर्किट बनाया और उसमें कहीं प्रॉब्लम आती है, वो इंजीनियर चला गया, कोई दूसरे उसे जो हायर किया गया, तो वो देखेगा कि पहले से साइन कन्वेंशन क्या हुआ है, सब कुछ ठीक है, तो मुझे अब क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग ही जो भी मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं या फिर कुछ रिप्लेसमेंट है तो वो करना है, इसलिए हम कर सकते हैं, ठीक है। और साइन कन्वेंशन नहीं है तो दिक्कत है, जैसे आपके कॉलेज में आपकी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में क्या है, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक टाई, है ना, तो ये साइन कन्वेंशन, यू आर स्टूडेंट, क्लियर। तो ऐसे हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में डिफरेंट टाइप की चीज़ों को नोट डिनोट करने के लिए, उनको एक नोटेशन देने के लिए या फिर उनको डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, हम कुछ साइन कन्वेंशंस का यूज़ करते हैं। जैसे ये किसका है ना, आपने और भी देखा होगा, जैसे ऐसे ही होता है, एक और साइन होता है, क्या हो गया, कहेंगे जैसे आपका, ठीक है, इसी टाइप से है, ये बॉर्डर इसका ब्लैक है, तो इसमें कहीं आपने देखा ऐसा है, कहीं पे ऐसा करके और है ना लिखा होगा 11 KV,
डेंजर है ना, बहुत सारे साइंस कन्वेंशन लगे होते हैं। या आप कहीं भी जाओगे कंपनी के अंदर, तो आपको कोई ब्रेक डाउन में अगर है, कोई मशीन क्या है किसमें ब्रेक डाउन में है, तो उसके लिए क्या किस टाइप का साइन कन्वेंशन ऐसे करके, इसी टाइप का पीला सा बॉक्स रखा होता है उसके ऊपर। या ऑडिट के समय क्या चल रहा है, मेंटेनेंस में क्या चल रहा है ना। तो ये साइन कन्वेंशन पर्टिकुलर टास्क के लिए या फिर प्रॉपर जो भी है हमारा सिस्टम है उसको डिफाइन करने के लिए कि करंट सिचुएशन क्या है। या कहीं भी आपने देखो पैनल में वायरिंग होती होगी, तो उसमें L1 का एक वायर है और मान लो कोई वायर ये है, वायर ये L1 और ये दूसरा क्या है L2 है। अब ये सेम अगर सेम है तो दूसरी जगह क्या होगा पता ही नहीं चलेगा, ये L1 का L2 का। तो आपने देखा होगा कि इस पे L1 है इधर भी L1, यहाँ L2 है तो दूसरी तरफ भी L2। या आपने देखा होगा कि RYB आपको तरीके है ना, अगर सेम कलर के अगर हम वायर ले लें तो पता कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, उसको चेक करना पड़ेगा बार बार, ठीक है ना। देखिए फिर क्या है, ये आपको डिफरेंट टाइप के सिंबल्स है ना, ये किसका, ये आपका, ये हीट है, ये CO2, ये वाईफाई का जैसे रेडिएशंस होते हैं अनाउंसड रेडियो, जब आपने देखो किसी टावर मोबाइल टावर के आपको ऐसा सेम बना होगा, ये आपको क्या है, ये शॉक लगने लगा, ठीक है। ये ब्लास्ट, ये किसका, मर्ग पारा ग्लिया फैन, ये देखो जो मैंने बताया था लिफ्टर, ये जितने भी हैं चाहिए, इसमें आप कोई भी आप दे सकते हो, ये आपका है इलेक्ट्रिकल का, ये आपका इलेक्ट्रिकल का, ये भी फैन आप मान जा सकते हो, ठीक है। ये लिफ्टर का, ये क्रेन का है, ये CCTV कैमरे का है, ये लेजर बीम उसके लिए है, ये फ्लेम मतलब है कहीं, ये कोई भी है कह सकते हो, यहाँ पे जाना मना है, नॉट परमिसेबल है, प्रोहिबिटेड एरिया है, सही है, इसमें आप नहीं जा सकते। ये बात है, ये डिफरेंट टाइप के सिंबल्स हैं, वो साइन कन्वेंशन है, वो अपने आप को एक यूनिक आईडी के साथ रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि क्या क्यों है और किस लिए ये रखे गए, लगाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो आप रोड पे देखते हो, ठीक है, स्टॉप वेट नॉट मतलब यहाँ जाने, हॉर्न कहीं भी लिखा होगा, हॉर्न बना होगा यहाँ पे ऐसे, एक हॉर्न बना होगा ऐसे करके तो उसमें एक ये वाला निशान लगा होगा, क्यों लगा होता है, यहाँ पे हॉर्न बजाना चकमाना, हॉस्पिटल है, स्कूल है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके लिए। अब आपको ये जो मैंने फिगर लेके आया हूँ, ये एक घर है और इसके वायरिंग का प्लान किया गया, एक घर है। अब आपको साइन कन्वेंशन और सिंबल्स क्यों यूज करते हैं उसका थोड़ा ये है कि ये घर है देखो, सही है, ये यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे डोर बेल आपको दिखाई दे रहा होगा, सीलिंग फैन, ठीक है। तो ये सिंबल्स लगे हुए हैं, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, तो ये एक सिंबल एडोब मैक्स है, ये जैसे कैड की तरह सॉफ्टवेयर है, उसमें डिजाइनिंग का ये पूरा आर्किटेक्चर डिजाइनिंग है, और इसमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग वगैरह कराना है, सब काम करना है, उसके लिए एक जब देखोगे आप, तो जैसे कि आपका यहाँ पे ये सीलिंग फैन का है, डोर बेल का है, ठीक है, सॉकेट्स वगैरह यहाँ पे अलग अलग, ये पूरी वायरिंग है पूरा किया हुआ है, लाइट का, ये सारी की सारी क्या है लाइट है, स्विचेस हैं, ठीक है। ऐसे अब नेक्स्ट वाला है, ये तो एक डोमेस्टिक लेवल पे है, ये क्या है डोमेस्टिक है, हिंदी में बोलेंगे घरेलू, ठीक है, लिखा भी है होम वायरिंग। हम देखते हैं इंडस्ट्री में या फिर पावर स्टेशन में, ये जो डायग्राम है ये सिंगल लाइन डायग्राम है, और इसको पावर सिस्टम लाइन डायग्राम भी मतलब बोलते हैं। अब सिंगल लाइन डायग्राम के हिसाब से देखिए, तो इसमें क्या है, ये सिंबल आपको किसके जनरेटर्स, ये किसके ट्रांसफार्मर, ये फिर
ये है ट्रांसमिशन लेवल 132/220 और 400 kV के लिए यूज हुए, ठीक है। ये जो चीज है जिस पर ये का ये क्या है, इसको बोलते हैं बस बार। ये क्या है आपके ट्रांसफॉर्मर, वो भी स्टेप अप अगर ये जनरेशन के बाद लगे हुए तो। फिर देखो वेरी लार्ज कंज्यूमर, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री है जैसे अडानी है या फिर मित्तल या फिर जो आपकी स्टील आती है ना TMT सरिया वगैरह, ऐसे बड़े बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री के लिए जाता है, बहुत हैवी लोड चाहिए। ये लाइन अदर ग्रेड्स के लिए हम PGCIL है, CIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन करता है, जैसे अपने यहाँ पे है UPTCL, UPTCL इनके लिए सब स्टेशन है 66 kV के, सही है। इनसे 33 kV के फीडर पे जाएगा, 33/11 जो है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पे। लार्ज कंज्यूमर हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्री हैं, है ना, जैसे बदायूं में बैलगा है और ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें से भी वो है। ये प्राइमरी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन 33/11 के भी, और सेकेंडरी क्या है यहाँ 63/66 से 33 आएगी ट्रांसफार्मर थ्रू, क्या होगी 66 किसमें कन्वर्ट हो जाएगी 33 में, और ये फिर 33 किसमें कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे 11 में। फर्स्ट प्राइमरी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये जो 11 kV है वो 440 वोल्ट या फिर 410 वोल्ट में हो जाएगी। ये डेल्टा में होगा और ये वाली स्टार में होगी, तो यहाँ न्यूट्रल होगा क्योंकि ये उपभोक्ता के लिए जाएगा, हम लोगों के लिए आएगी तो इसमें एक न्यूट्रल भी आएगा, एक फेज न्यूट्रल। हम लोग सिंगल फेज यूज करेंगे तो ये 220 वोल्ट आएगी हमारे लिए, ठीक है। तो एक आपका ये सारे सिंबल साइन कन्वेंशन कुछ यूज हुए अभी यहाँ पे, बहुत पूरी तरीके से नहीं हुआ है, वो छोटा है, एक डेमो को वैसे बताया। आप सीट्स बनाओगे ऐसी, एक आप सीट बनाओगे खुद भी, तो उसमें सारे सिंबल साइन कन्वेंशन सारे सारे यूज करेंगे, और वो सीट आपकी जो होगी एक वो सीट पहले तो होगा एक घर का एक होम वायरिंग बन सीट, और वन सीट आएगी आपकी जनरेशन, और वन सीट आपकी ट्रांसमिशन के लिए, और वन शीट आपकी किसकी आएगी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आपको चार सीट बनानी है, वैसे दो सीट आपको अलाउड बनाने के लिए उसमें है, लेकिन हम आपको चार चार में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। कभी क्या करते हैं कि इन इसको एक में रखते हैं, बाकी इन तीनों को एक में ही बनवाते हैं, तो फिर हम एक ओवरऑल बनवाएंगे जिसमें एक ही सीट होगी, और उस सीट में ये आपको तीनों के तीनों बनाने होंगे, ठीक है। अब जो सीट कैसे बनाई जाती है क्या होता है, वो एक अगले मतलब लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि एक सीट बनाना है तो कैसे बनाई जाएगी, ठीक है। वैसे वो लैब का है, लैब तो नहीं चलेगी, लेकिन हम ऐसे ही आपको एक लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। अब वो हमारा थ्योरी लेक्चर होगा, उसमें हम बताएंगे कैसे कैसे आपको मार्जिन कितना सेट करना, अगर सीट है सीट कितने बाई कितने की होनी चाहिए, ठीक है, और अगर उसमें एरिया इतना है मकान है तो उसका आर्किटेक्चर के बाद में आपका जो इलेक्ट्रिकल का काम है, जैसे रिविट एक सॉफ्टवेयर होता है कैड का, रिविट MEBL, रिविट मैकेनिकल इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग, तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल का पार्ट होता है ना वो आपको देखना होता है, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है क्लास में, कुछ पूछना है इसमें, तो एक कमेंट चाहे तो हमारे चैनल पे, और चाहे आप क्लास के ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप उसमें छोड़ सकते हैं, ठीक है। और हमारा इलेक्ट्रिकल सेक इंडिया, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अपने जो भी दोस्त रह गए हैं अभी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो मुझे पूरे क्लास का जितना भी है स्टूडेंट्स को उतने व्यूज़ तो होनी चाहिए, क्लियर। तो जो क्लास में नहीं आ पा रहा उनको शेयर कीजिए, उनसे कहिए कि आप इस जो क्लास है उसको देखिए। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा, खाली घर बैठे हो कम से कम अपनी क्लास को देखो, ठीक है। आज के लिए इतना, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।